मिस्टर डार्विन और उनके विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि हर व्यक्ति इस जगत में विकास की सीढ़ी पर उन्नति करने के फलस्वरूप आया है। असंख्य जीव विभिन्न शरीरों में वास करने के बाद ही विकसित स्थिति को प्राप्त हुए हैं। हर नई देह में जीव को पुनर्जन्म का विस्तरण करने का अवसर मिलता है, परंतु पूर्व जन्म में अर्जित वासनाओं से जीव युक्त होता है। भगवान की स्थिति भिन्न है। भगवान तो अजन्मा होते हुए भी जन्म ले सकते हैं। ईसाई, मुसलमान, उनके भी ईश्वर तो हैं, निराकार हैं, लेकिन क्षमा करेंगे, ईसाई और मुसलमानों के ईश्वर में साकार होने की कोई ताकत नहीं है। आप लोग ध्यान से ये बात सुन रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईसाइयों ने और मुसलमानों ने अपने परमात्मा को सर्वज्ञ तो माना है, परंतु सर्वशक्तिमान नहीं माना है। लेकिन सनातन इस हिंदू धर्म के भगवान ने यह घोषणा गीता में कर दी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म का ह्रास ग्लानिर्भवति भारत, भले लिखने वाले ने उसका अर्थ करने वाले ने यह अर्थ किया कि धर्म का ह्रास हो, अधर्म का विकास हो, अधर्म बढ़े और धर्म घटे, ये व्याख्या में लिख दिया। लेकिन हकीकत में धर्म का कभी ह्रास हो ही नहीं सकता। धर्म के प्रति अरुचि हो सकती है, धर्म के प्रति ग्लानि हो सकती है, धर्म के प्रति लोगों की रुचि का अभाव हो सकता है, लेकिन धर्म का ह्रास नहीं होता, क्योंकि धर्म तो नित्य है। जिसका ह्रास हो उसकी शरण में जाने से हमारा कौन सा उत्थान होगा, इसलिए धर्म का ह्रास नहीं होता, धर्म के प्रति अरुचि हो जाती। जैसे भोजन के प्रति बुखार में अरुचि हो जाती है, ह्रास होना और ग्लानि होना दोनों में फर्क है। तो भगवान ने दोबारा आने की घोषणा कर दी कि लोगों में जब ग्लानि होगी धर्म के प्रति, अधर्म ज्यादा फैलेगा, तब तब मैं अवतार हूं लूंगा। परित्राणाय साधु नाम, साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। तो हमारे द्वारा क्या हो रहा है, धर्म की स्थापना ही तो हो रही है। बापूजी के द्वारा क्या हो रहा है, जो समितियां लगी है, जो साधक लोग देवी कार्य कर रहे हैं, बाल संस्कार खोल रहे, गुरुकुल खोल रहे, गौशाला चला रहे,
और समाज में संस्कारों को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? धर्म ही बढ़ रहा है, धर्म की स्थापना ही हो रही है। तो अब हमारे में और भगवान में क्या फर्क रहेगा? भगवान भी धर्म की स्थापना करते हैं और हम लोग भी धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं है। फिर भी एक फर्क है, वो ये फर्क है कि हम लोग दुष्टों का विनाश नहीं करते और भगवान दुष्टों का विनाश करते, ये फर्क है। आर्य समाजी कोई बैठे हो तो कृपया बुरा न माने, कोई ईसाई बैठे हो, कोई मुसलमान बैठे हो तो कृपया बुरा न माने, क्योंकि उनके धर्म की बात भी मैं कर रहा हूँ। उनके धर्म में लिखा है कि हमारा अल्लाह ताला, अल्लाह अल्लाह अकबर, मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह या अल्लाह इल्लल्लाह, उस अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपके अल्लाह ताला सर्वज्ञ हैं लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं दूसरी बार आऊँगा। और ईसाइयों के जो भगवान हैं उन्होंने भी ये नहीं कहा कि मेरे में दूसरी बार आने की कोई ताकत है। और आर्य समाजियों के जो भगवान हैं उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हम दूसरी बार आएंगे। सर्वज्ञ तो हैं लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं हैं। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म के भगवान हैं उन्होंने तो घोषणा कर दी कि हम दूसरी बार भी आएंगे, तो वो कभी भी आ सकते हैं, किसी भी नाम और किसी भी रूप लेके आ सकते हैं। जब जब होवे धर्म की हानि, बाढ़े असुर अति अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि नाथ तब सज्जन पीरा। तो रामचरितमानस में भी ये बात कही गई और भगवद गीता में भी ये बात कही गई। तो हम तो यह प्रार्थना करते हैं कि जब जब धरती पर भगवान आवे तब तब हम भी आवे और भगवान की लीलाओं को देखा करें। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रुचि राम पद। हमारी जन्म जन्म में जो रुचि है, प्रीति है, भगवान के चरणों में हो।